तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई साहब, मतलब भाई टोटली टोटली क्रेजी मजा आ गया भाई सॉन्ग को देख के। सबसे अच्छी लाइन जो मुझे लगी इस सॉन्ग में, लेके प्रभु का नाम, बस यही लाइन मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगी। ऐसा नहीं है कि कुछ और अच्छा नहीं लगा, ये लाइन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी भाई। अंदर से ही एक गूज़बम्प क्रिएट हो जाता है लिटरली। आपके भी हुआ होगा, अगर हुआ है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि गाना आपको कैसा लगा। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना भाई, उल्टा सीधा मत बोलना। सबसे पहले गाना देखना, उसके बाद नीचे कमेंट में आके बताना कि आपको कैसा लगा सॉन्ग। भाई देखो, सॉन्ग की जो कोरियोग्राफी थी काफ़ी बेहतरीन थी। कैटरीना एंड सलमान का, दोनों का दोस्तों जो एक केमिस्ट्री सॉन्ग में दिख रही है, काफ़ी हटके है। काफ़ी दोस्तों ऐसा लग रहा था कि हम और भी पहले इन दोनों को देख चुके हैं और भी गानों में, मूवीज़ में, लेकिन इसमें देख के दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पहली बार देख रहे हैं, और एक अलग ही फील आ रहा है। अभी तो देखो छोटे पर्दे पे आ रहा, अभी जब आप बड़े पर्दे पे देखेंगे तो वहाँ तो और ही अलग तरीके का भाई मज़ा आने वाला है। देखो सॉन्ग के अंदर जो आवाज़ दी है वो अरिजीत सिंह ने दी है सलमान खान को, और ये शायद मेरी नज़र में शायद भाई को मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार है ऐसा कि अरिजीत सिंह गाना गा रहे हैं और सलमान खान उसमें नाच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद पहली बार है। अगर इससे पहले भी हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्या इससे पहले भी अरिजीत सिंह ने सलमान खान की किसी फिल्म में गाना गाया है या नहीं गाया, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों गाने का जो बैकग्राउंड आपने देखा होगा, बैकग्राउंड आप देखना एक बार दोबारा से, उस बैकग्राउंड में आपको हल्की हल्की, मुझे भाई देखो जो मेरा अपना मेरी अपनी जो सोच है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पीछे का मुझे ऐसा लग रहा था कि बेशरम रंग जो पठान का गाना आया था, दीपिका पे जो फिल्माया गया था, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था। कुछ झूमे जो पठान की फील आ रही थी बैकग्राउंड में, कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं यार वही सीन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। बाकी आपको लग रहा था या नहीं लग रहा था तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं बार बार कमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इस दिन का इंतज़ार हम कब से कर रहे थे कि यार कुछ तो आए, ट्रेलर आया, सॉन्ग आ रहे हैं, फिर मूवी आएगी। भाई कब से वेट था, इतना एक्साइटेड था मैं इस सॉन्ग के लिए कि कभी यार टाइगर थ्री का सॉन्ग आएगा तो कंपेयर किया जाएगा पठान के सॉन्ग से। आज दोस्तों वो दिन आ चुका है, अब हमने वो सॉन्ग देख लिया है, मज़ा आ चुका है। बाकी दोस्तों दोनों का जो कोरियोग्राफी रही, सलमान खान की एंड कैटरीना कैफ की, भाई काफ़ी लाजवाब है दोनों का जी। सबसे अच्छा तो मुझे लगा भाई कैटरीना का डांस काफ़ी अच्छा लगा। बैकग्राउंड पर देखा यार कितनी सारी लड़कियां, इतने सारा दोस्तों कलरफुल, कलर ग्रेडिंग सॉन्ग की कितनी बेहतरीन है, और दोस्तों एडिटिंग कितनी बेहतरीन की है सॉन्ग की। आप यहां पे देखिए, मेन चीज़ जो होता है, देखो शूट तो हो जाता है, शूट होने के बाद में जो मेन काम होता है वो होता है एडिटर का, उसको कैसे एडिट करना है। बस यहीं पर अगर एडिटर अच्छा है ना तो वहाँ पर फिर एक चीज़ अच्छी होके निकलती है। अगर एडिटर मार खा गया तो भाई फिर उसका क्या हाल होने वाला, पब्लिक फिर जाने क्या हाल होने वाला। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे सॉन्ग काफ़ी ज़बरदस्त है, एक तो गाया सॉन्ग को काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड भाई उसको डायरेक्ट इतने बेहतरीन तरीके से कराए, सिनेमेटोग्राफी इतनी बेहतरीन है, कलरफुल इतना है भाई प्रॉपर पूरे सॉन्ग में। मुझे नहीं लगता कि इस सॉन्ग में कोई ज़रा सी भी गलती होगी भाई। इस सॉन्ग को मैं 100 में से भाई 99.9% देना चाहूँगा। पूरा सॉन्ग मुझे एक्यूरेट लगा, कोई कमी नहीं लगी, पूरा परफेक्ट सॉन्ग था मेरी नज़र में दोस्तों। फिलहाल तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। भाई सलमान खान के फैंस हो या नहीं हो, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।